हिंदी सेकंड लेसन का नेम है संज्ञा। तो आप बता सकते हो संज्ञा किसे कहते हैं? क्या आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, तो मैं बताती हूँ संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, मैं संज्ञा की परिभाषा बता रही हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी व स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट करेंगे हम। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी व स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति का नेम आ सकता है। जैसे महात्मा गांधी, राम और कमला। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु। तो वस्तु में कौन कौन से नेम आएंगे? कौन सा भी वस्तु, जैसे पुस्तक, कलम, फल, ये सब क्या है? वस्तु है। नेक्स्ट है प्राणी। तो प्राणी में क्या क्या आएगा? प्राणी में क्या क्या आएगा? पशु, पक्षी और मनुष्य, ये प्राणी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाव। जो हम अपने अंदर से जो निकालते हैं, हमारे अंदर से जो निकलते हैं उसे भाव। ठीक है, उसे भाव कहते हैं। जैसे प्रेम, सच और झूठ। ठीक है, ये हमारे क्या है? भाव है। तो भाव में आएगा प्रेम, सच और झूठ। नेक्स्ट है स्थान। ठीक है, तो स्थान में क्या आएगा? कोई भी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, आगरा, कानपुर, ये सब एक स्थान है। ठीक है, तो स्थान में आएगा दिल्ली, आगरा। नेक्स्ट है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, रिपीट करूंगी फिर से। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक के कितने भेद होते हैं? भाववाचक के दो भेद होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक